हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ आसाम प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन की आपकी कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, ठीक है। इसके लिए किस तरीके से आवेदन करेंगे वो सब जानकारी मैं बताऊंगा। इसका जो ऑफिशियल लिंक है और नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे, और सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के बता दूंगा आसान शब्दों में, जिससे आपको ईजिली समझने आ सके, ठीक है। तो किस तरीके से आवेदन करना होगा वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर आप चाहें तो अपना डिटेल दे सकते हैं, मैं उसको आपको फिल करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं संडे को ही ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड, ठीक है। और साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने अभी तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस आ रहा है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट का एक ही एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली और आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे आपकी नेम ऑफ द पोस्ट, सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सिटी सिविल वर्क, सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर MIS, प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, ठीक है। सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल वर्कर की और सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि प्रधानमंत्री आपकी योजना के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके वर्किंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, एज में 27 से 45, सैलरी 45,000 रहेगी पर मंथ, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं, आपको फ्लुएंसी इन होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, आपको एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCA या आपको सिटी मैनेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिटी मैनेजर प्रोजेक्ट MIS में MCA BTech CSE IT डिप्लोमा, ठीक है, विद मिनिमम 60% क्वालिफिकेशन होना चाहिए एग्जाम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए विद इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, 27 से लेकर 45, सेम सैलरी यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको 45,000 पर मंथ रहेगी, ठीक है। आप दे सकते हैं बैचलर डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पे आपको रखा गया है 35 और डिप्लोमा होल्डर के लिए 25,000। तो इसी तरीके से यहाँ पर है सब में, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट में ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 1 साल का आपको मिशन मोड प्रोग्राम या एक्विलेंट होना चाहिए। 8 वैकेंसी 23 से 40, 25,000 आपकी सैलरी रखी गई है। डिस्टेंस आपको जो कि एजुकेशन है अप्रूव्ड बाय DEC UGC आप आल्सो वैलिड, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग है तो भी आपके लिए वैलिड है, ठीक है। कैंडिडेट वेल आपको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट इन सबका ज्ञान होना चाहिए, या कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल वर्कर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपको कम से कम 60% मार्क होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, आप जैसे 27 से 45, 45,000 रुपये मिलेंगे ग्रेजुएट डिग्री को और 35,000 मिलेंगे आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा को, ठीक है। आपको आपके लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिशन में। सिटी मैनेजर आपको फाइनेंस में दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस MBA इन फाइनेंस HR, मिनिमम 60% क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, फ्लुएंसी इन आपके लोकल लैंग्वेज इज एसेंशियल, आपका प्रियर एक्सपीरियंस PFMS GEM पोर्टल E-ट्रेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एक वैकेंसी 27 से 45, एज देखिए 45,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पोस्ट का नाम दे रखा, वैकेंसी व डिस्ट्रिक्ट देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखा, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं बता दूंगा, यहाँ पे आपको और डिटेल दे रखे वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। टोल फ्री नंबर दे रखा है और ईमेल क्वारी आपको दे रखा, तो यहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको अभी दिखा रहा हूँ आपको। अब चलते हैं किस तरीके से आवेदन करेंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन पे आ रहा है, इसी पे टैब पे आप जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई,
ठीक है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर आप दे सकते हैं मेल फीमेल है। ठीक है, आपको कैटेगरी यहाँ पे बतानी है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी है वो बता सकते हैं, आपको शादीशुदा है या नहीं, इस तरीके से मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी, नेशनलिटी आप देख लीजिए, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इसके लिए प्रोजेक्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस आप दे सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप देना चाहते हैं, मैंने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस टू देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दोनों आपको प्रेफरेंस आपको जहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई आपका जाएंगे वहाँ के लिए क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको कोर्स कंप्लीटेड परसेंट क्या थे, आपके कोर्स टाइप क्या था वो बता दिए, डिप्लोमा ग्रेजुएशन। ठीक है, उस तरीके से बताना है। ठीक, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस बताना है, सिटी, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका स्टेट क्या है, पुलिस स्टेशन बताना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी बताना है, नियर पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन बताना नियर, अगर सेम है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी फिर से वही। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी एकेडमिक डिटेल आ रही है, वो यहाँ पे आपको 10वीं की, 12वीं की डिग्री, पीजी, डिप्लोमा, जो जो आपने किया उसके बारे में सब्जेक्ट बताने पड़ेंगे, जो सब्जेक्ट से किया था 10th 12th, स्ट्रीम क्या था। ठीक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट क्या था वो, आपका इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कोर्स किस, आपके ड्यूरेशन क्या है, आपने किस साल में आपने पास किए उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस और डिटेल के बारे में बताना है, अगर कोई अनुभव है तो उसके बारे में बता दीजिए। टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यानी पाँच जितने समय का, जैसे 3 साल का और 6 महीने या 9 महीने, उतने अभी यहाँ पर डाल दीजिए। करंट एम्प्लॉई हैं, करंट डेजिग्नेशन, करंट आपको एम्प्लॉई एड्रेस, करंट आपका एम्प्लॉई ईमेल, करंट एम्प्लॉई फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, ड्यूटी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, कब से लेकर कब तक काम किया था, कितने समय का अनुभव, तो वो सब यहाँ पे जानकारी दे दीजिएगा। आपको लैंग्वेज बताना पड़ेगा, हिंदी, अंग्रेजी, जो जो आती है लोकल लैंग्वेज के बारे में बता दीजिएगा, कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है उसके बारे में बता दीजिएगा, प्रोफेसर अरब वेर मैनेजमेंट टूल के बारे में बता सकते हैं, नेम ऑफ द एड्रेस टू पर्सन हुम टू सीक रेफरेंस अबाउट यू, तो अपने किसी भी दो रिलेटिव के बारे में जानकारी दे दीजिएगा, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी दे दीजिए, दो भी किसी भी जो दो लोग आपको रेफरेंस दे सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने फॉर्मेट में फोटो अपलोड करने 50 KB की रहेगी। ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए 100 KB का, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने 100 KB के रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ आएंगे इमेज उसको देख लीजिए जिस तरीके से रहेगा, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने बता दी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।